नमस्कार, मैं पंकज, आप सबका स्वागत है द ग्रुप ऑफ इंपैक्ट मीडिया, द ग्लोबली न्यूज अपडेट्स और बीबीसी 24x7 में। आज हम खड़े हैं 7th गीतांजलि मैंगो फेस्टिवल के प्रांगण में। मतलब मैं कहना ये चाहता हूँ, यहाँ पे 7वां गीतांजलि मैंगो उत्सव, आम उत्सव होने जा रहा है। खजुली, लक्ष्मण भोग, मालदा, यही दो तीन और एक्सेट्रा, मैं आमों का नाम जानता हूँ। लेकिन आपको यह जान करके ताज्जुब होगा कि 200 से ज़्यादा वेराइटीज़ है आम का। इसी के विषय में आइए, यहाँ पे एक्सपर्ट्स हैं हमारे साथ, हमारे दीदी, हमारे सर लोग हैं, और उनसे पता चलेगा कि वास्तव में आम की कितने वेराइटीज़ हैं और ये है क्या, यहाँ पे प्रोग्राम क्या हो रहा है। तो इसके बारे में डिटेल जानना है तो आप इस न्यूज़ में बने रहिए, और हम मिलते हैं आपके साथ ऐसे ही किसी न्यूज़ अपडेट्स के साथ में। आप सबका दिन शुभ शुभ हो। भारत माता की जय। जय हिंद। असाधारण तो जानिए 7वां गीतांजलि मैंगो फेस्टिवल के बारे में, जो सिटी सेंटर में निर्धारित डेट के अनुसार आरंभ होने वाला है। इसी के साथ आपको पता चलेगा 200 से भी ज्यादा आमों की वेराइटीज है। तो जुड़े रहे हमारे साथ और जानिए संपूर्ण आम संडे हाट का तरफ से ऑर्गेनिक आम सिलीगुड़ी को यस कितने स्टॉल्स हैं यहाँ पे अभी? यहाँ पे लगभग 30 स्टॉल है और तीनों दिन कल्चरल प्रोग्राम भी। व्हाट आर द वैरायटीज, कैन टेल मी द वैरायटीज ऑफ द स्टॉल्स? स्टॉल्स वैरायटीज, हैंडीक्राफ्ट भी आएंगे, टूरिज्म का स्टॉल रहेगा, एग्जीबिशन होगा। खाली आम नहीं, वहाँ पर ऑर्गेनिक दूसरा सामान भी मिलेगा, ऑर्गेनिक। मैम वहाँ पे बोलने का तात्पर्य कहाँ पे? सिटी सेंटर सिलीगुड़ी। अच्छा मैम, इसका नाम इतना अच्छा जो आप लोगों ने रखा है गीतांजलि मैंगो फेस्टिवल, हाँ। ये आपको कहाँ से प्रेरणा मिला? 2010 साल में गीतांजलि जो लिखे थे कवि गुरु रविन्द्रनाथ ठाकुर, उसका 100 वर्ष हुआ था, तो हम लोग उसी वर्ष में फेस्टिवल चालू किए, तो गीतांजलि मैंगो फेस्टिवल का नाम वहीं से आया। শিলিগুড়ি গীতাঞ্জলি ম্যাঙ্গো ফেস্টিভ্যাল 2023-র যে সমস্ত দেশীয় অর্থাৎ ইন্ডিজেনাস ভ্যারাইটির আম, তার মধ্যে মুর্শিদাবাদের নবাবী বিভিন্ন জাতের আম রয়েছে, তার মধ্যে উল্লেখযোগ্য রয়েছে কোহিতুর আম, এছাড়া রয়েছে নবাব পছন্দ, বেগম পছন্দ, সারেঙ্গা, চন্দনকোষা, যার সুবাস হচ্ছে চন্দনের মতো, তারপরে আনানাস মানে আনারসের মতো স্বাদ, তারপরে হচ্ছে মৃগনাবির গন্ধযুক্ত আম আছে, এছাড়াও হচ্ছে যে যেগুলো আমাদের প্রায় বিলুপ্ত হয়ে যাচ্ছে, রঘুমুন্ডা মানে রুই মাছের মাথার মতো, হিলসা পেটি মানে ইলিশের মাছের যে পেটির মতো সেরকম আম রয়েছে, এছাড়া মালদা জেলার রয়েছে বাতাসা, মধুচুষ্কি, বৌভুলানি, জাঞ্জিরা, জিলাপি প্যাড়া, বিভিন্ন রকম আম রয়েছে, সেই সব নিয়ে মানে চাষিরা হাজির হবে। তাছাড়া আমাদের উত্তর দিনাজপুরের ইসলামপুরে সেটা হচ্ছে সূর্যাপুরি আম, সেটা নিয়ে চাষিরা সেখানে হাজির হবে। এছাড়াও আমাদের হুগলি, নদিয়া, উত্তর চব্বিশ পরগনা বা হাওড়ার বিভিন্ন রকম সরিঘাস বা ব্যানার্জি চ্যাটার্জি যে ভ্যারাইটিগুলো রয়েছে, যেগুলো আগে ওঠে, বা বৈশাখী গুটি যেগুলো হচ্ছে একদম ঠিক বৈশাখ মাসে ওঠে, সেগুলো নিয়েও চাষিরা এখানে উপস্থিত হবে। উত্তরবঙ্গের যে সংস্কৃতি আছে, ভাওয়াইয়া, গম্ভীরা, রাভা, मैं राज बासु और मैं एसोसिएशन फॉर कंजर्वेशन एंड टूरिज्म, जो कि ये आम उत्सव की जो एक पार्टनर है, उनके तरफ से है। 2010 में हम लोगों ने तीन संस्था मिलकर ये मैंगो फेस्टिवल को शुरू किया था। उस समय में एक स्कूल जो है, जो मॉडल अकेडमी का सेंट्रल स्कूल सिलीगुड़ी का एक स्कूल जो है, उनके टीचर लोगों ने एक प्रयत्न किया था कि बच्चों को आम खिलाया जाए, तो हम उसको थोड़ा सा आगे बढ़ाए कि आम के साथ साथ में कैसे जो आम के फार्मर है, जो आम को उगाते हैं, उनके साथ भी मतलब एक मेल मिलाप होना बहुत ज़रूरी है। तो 2010 में इसका हमने शुरू किया था और इसका नाम गीतांजलि इसलिए आ गया था कि मैं राज बासु और मैं एसोसिएशन फॉर कंजर्वेशन एंड टूरिज्म, जो कि
ये आम उत्सव की जो एक पार्टनर है उनके तरफ से है। 2010 में हम लोगों ने तीन संस्था मिलकर ये मैंगो फेस्टिवल को शुरू किया था। उस समय में एक स्कूल जो है, जो मॉडल अकेडमिकल सेंट्रल स्कूल सिलीगुड़ी का एक स्कूल जो है, उनके टीचर लोगों ने एक प्रयत्न किया था कि बच्चों को आम खिलाया जाए, तो हम उसको थोड़ा सा आगे बढ़ाए कि आम के साथ साथ में कैसे जो आम के फार्मर है, जो आम को उगाते हैं, उनके साथ भी मतलब एक मेल मिलाप होना बहुत ज़रूरी है। तो 2010 में इसको हम लोगों ने शुरू किया था और इसका नाम गीतांजलि इसलिए आ गया था क्योंकि उस साल हमारी गीतांजलि लिखी हुई और पब्लिश किया हुआ बंगला में उसका 100 वर्ष हो रहा था, इसलिए गीतांजलि मैंगो फेस्टिवल के नाम से ये इसको जाना जाता है। 2010 साल से लगातार करते हुए ये 7th एडिशन है हमारी ये मैंगो फेस्टिवल। बीच में काफ़ी साल हम लोग नहीं कर पाए थे कोविड के कारण, और इसीलिए इस बार हमें उत्साह ज़्यादा मिल रही है। तो ये करने का जो है, जो हमारी जो मिशन है ये करने का, विशेष करके उत्तर बंगाल की जो ग्रामीण पर्यटन है उसको आगे बढ़ाने के लिए, और ग्रामीण पर्यटन के साथ साथ में हमारी जो मिशन है इसकी कि हमारी बांग्लादेश में जो हमारे पहाड़पुर वर्ल्ड हेरिटेज साइट है और पहाड़पुर के साथ में हमारे दार्जिलिंग का दार्जिलिंग हिमालयन रेलवे है, दार्जिलिंग हिमालयन रेलवे, ये दोनों वर्ल्ड हेरिटेज के बीच में एक मैंगो हेरिटेज कॉरिडोर जो कि इंटेंजिबल कल्चरल हेरिटेज के साथ जोड़ के हमारी आम की जो हमारी धरोहर आम को लेके है, उसको लेके जो हैंडीक्राफ्ट हैंडलूम, हम लोग जानते हैं यहाँ पे सिल्क की बहुत पुरानी एक इतिहास है, ये सब को लेके ये कॉरिडोर को कैसे हम लोग एक हेरिटेज कॉरिडोर बांग्लादेश और हमारे दार्जिलिंग के बीच में कैसे हेरिटेज कॉरिडोर बना पाए, ये लेके इस बार का मिशन ज़्यादातर उसको ही लेके हम लोग चर्चा करेंगे। इसमें सबसे बड़ी बात ये है कि पहले जो ये एक सिलीगुड़ी और यहाँ के आसपास के लिए उत्तर बंगाल की ये जो उत्सव थी, आज के दिन में ये उत्सव जो है ये BBIN कंट्रीज आ गई है, बांग्लादेश भूटान इंडिया नेपाल सब लोग इसके साथ जुड़ गए हैं, और ये हेरिटेज टूरिज्म का जो रूप है इसका फेज जो है ये आम है क्योंकि इसमें 250 से ज़्यादा जो अलग अलग वेराइटी है आम की यहाँ पर आती है, और उसके साथ साथ में हम जो देखते हैं कि आम द्रव्य जिसको बोलते हैं, आम से आम पापड़ बनाते हैं, आमचूर बनाते हैं, ये अलग अलग आम के सामान भी यहाँ पे आएंगे, और मैंगो टूरिज्म को लेकर और हेरिटेज टूरिज्म को लेकर जहाँ यहाँ पे गेट टुगेदर होगा, हैंडीक्राफ्ट हैंडलूम ऑर्गेनिक की जो हमारी आंदोलन है वो इसमें जुड़ गई है, तो सब कुछ मिलके তিন দিন ধরে প্রতিযোগিতার ব্যবস্থা করা হয়েছে এবং ফাইনালে যেটা রবিবার দিন আছে সেদিন ম্যাঙ্গো রেসিপি কম্পিটিশন আছে। ভেরি ক্যাজুয়াল ভিডিও এটা সিটি সেন্টার ম্যাঙ্গো এটা ওয়েটার কি সিটি আস্তে আস্তে আস্তে